एवरीवन। दोस्तों आज हम बनाने वाले हैं इडली, डोसा, उत्तपम और अप्पे का बैटर। तो आज हम 4-in-1 बैटर बनाएंगे। इसके लिए हमें अलग अलग बैटर बनाने की जरूरत नहीं है, हम एक ही ऐसा बैटर बनाएंगे जिससे हम ये चारों चीजें आराम से बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर लिया है चावल। चावल मैंने ये बहुत छोटे वाले लिए हैं, चावल 1 किलो है। और ली है मैंने उड़द की दाल, ये 1/2 किलो है। और लिया है मैंने यहाँ पर चने की दाल, ये 200 ग्राम है। और मैंने 4 चम्मच ये मेथी दाना लिया है, उसको भी भिगो दिया है। इन सारी चीजों को मैंने दोपहर में ही भिगो दिया था। अब हम इन सारी चीजों को इकट्ठा कर लेंगे इनका पानी निकालकर, और एक मिक्सी के जार में डालकर इनको ग्राइंड कर लेंगे। तो चलिए कर लेते हैं सबसे पहले इन सब चीजों का पानी बाहर। तो सबसे पहले हम पीसेंगे चावल, चने की दाल और इसमें ये मेथी, तीनों चीजों को मैंने मिक्स कर लिया है। और उड़द की दाल को हम अलग से पीसेंगे। तो इसके लिए हम ले लेते हैं एक जार और ये कटोरी। इसी कटोरी से हम चावल निकालकर जार में डाल देते हैं। और अब इनको हम बारीक पीस लेते हैं, मतलब ज्यादा बिल्कुल फाइन नहीं बनाना, एक थोड़ा हल्का दरदरापन रह जाएगा इसमें। अगर लगे कि पानी डालना है तो थोड़ा सा डाल सकते हैं, वैसे अभी इसमें थोड़ा पानी है साथ में। तो चलिए अब इसको पीस लेते हैं। तो ये देखिए फर्स्ट टाइम वाला हमने पीस लिया है, बस इस तरीके का, इतना दरदरा हमें रखना है। अब इसको हम एक बड़े से बर्तन में पलट लेते हैं। इसी तरीके से हम बाकी का बैटर भी पीस लेते हैं और फिर लास्ट में हम उड़द की दाल पीसेंगे और वो भी इसी में मिक्स कर लेंगे। चावल हमारे पीस गए हैं, अब इसी जार में हम दाल को भी पीस लेते हैं। चावलों में मैंने बीच बीच में पानी डाला था, मुझे जरूरत पड़ी थी पानी की, पर दाल में इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत कम पानी की जरूरत पड़ती है दाल में, जल्दी पिस जाती है। अब दाल को भी हम फटाफट से पीस लेते हैं। ये देखिए दोस्तों दाल भी एकदम बारीक पिस गई है, अब इसको भी हम निकाल लेते हैं। अब दाल को भी उसी मिक्सचर में हम डाल देंगे। तो ये देखिए दोस्तों सारा बैटर हमने पीस लिया है और एक बड़े से बर्तन में ट्रांसफर कर लिया है। अब इस सबको बहुत अच्छे से मिक्स कर देंगे, क्योंकि दाल और चावल आपस में मिक्स हो जाएं बिल्कुल। तो ये देखिए बैटर हमने मिक्स कर लिया है और ये ज्यादा पतला भी नहीं है, इतना थिक रखा है हमने। अब हम इसको ढककर ऑल नाइट के लिए छोड़ देते हैं। वैसे तो गर्मी जब होती है तो 8 से 10 घंटे इसको रेस्ट करने के लिए काफी है, लेकिन अभी सर्दियों का मौसम है तो हम इसको ऑल नाइट रखेंगे। अभी रात का बजा है 1, तो मैं इसको अब कंप्लीट कर चुकी हूँ। अब मैं इसको ढककर रख देती हूँ सारी रात के लिए। अब मैं सुबह देखूंगी इसको। और एक बात का ध्यान और रखना है, जिस भी बर्तन में हमारा बैटर है उस बर्तन को आधे से ज्यादा खाली छोड़ना है, नहीं तो जब ये फूलेगा ना तो बर्तन से बाहर निकल जाएगा, तो इस बात का भी ध्यान रखना है। और मैं इसको अब ढककर ऑल नाइट के लिए छोड़ देती हूँ और सुबह मिलते हैं दोस्तों। ये देखिए दोस्तों बैटर हमारा एकदम तैयार है। ये देखिए भगोना मैंने आधा रखा था और ये पूरा भर चुका है, बस थोड़ा सा खाली है। ये देखिए कितने अच्छे से ये देख सकते हैं आप, कितने अच्छे से इसका खमीर उठ गया है, ये पूरी तरह से फूल गया है। और मैंने दूसरे बर्तन में शिफ्ट किया था तो ये देखिए वो भी फूल चुका है, और ये तो इतना बाहर आ गया था फूल के कि ये देखिए प्लेट पर भी इतना सारा लग गया है। अब बैटर तो हमारा तैयार हो गया है, अब किसी बात की फिक्र चिंता नहीं है, क्योंकि अब हम कुछ भी बना सकते हैं इकट्ठे बैटर से। अब इसको रख लीजिए आप फ्रिज में स्टोर करके ढककर। बैटर को यूज करने से पहले उसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अब दोस्तों इस एक बैटर से हम बनाएंगे कई सारी चीजें, पर अलग अलग वीडियो में। एक ही वीडियो में तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी और आप लोग भी बोर हो जाओगे। तो दोस्तों कैसी लगी आप लोगों को मेरी ये 4-in-1 बैटर की रेसिपी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।